बड़े तंत्र अंतर्गत बेबस नदी पर बने पगार डैम के किनारे सेना का एक पुराना बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम मिलने से सूचना कुछ लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल सूचना बम निरोधक दस्ते को दी। सागर में आए बम निरोधक दस्ते ने बम को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह सेना के उपयोग में आने वाला बेहद ही खतरनाक बम है, जो प्रतिक्षण फायरिंग बिना चला रहा होगा और जिस 6 किलो वजनी था। गौरतलब है कि सागर के आसपास में आर्मी बेस होने से इस तरह के बिना चले बम मिलते रहते हैं और इसी प्रकार के बम में पिछले दिनों कबाड़े की दुकानें विस्फोट से एक जान भी चली गई थी। बम डिस्प्यूट किया गया तो किस तरह का बम था वो? ये एक पुराना UXO है, जो अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस होता है, जो कभी प्रैक्टिस के दौरान जो विस्फोट नहीं हो पाते इस तरह के बम हैं। पुराने समय में कभी ये चार्ज किया गया होगा और ये ब्लास्ट नहीं हुआ होगा, उसको UXO कहते हैं। तो ये अक्सर मिलते रहते हैं अपने सागर एरिया में, आर्मी वगैरह के होते हैं। 81 mm साइज़ का था ये और लंबाई इसकी टेल के साथ लगभग 12 इंच थी इसकी लंबाई। वज़न करीब 6-6.5 किलोग्राम रहा होगा और ये मतलब इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव था वो लाइव एक्सप्लोसिव था, बम लाइव था और काफ़ी ख़तरनाक बम था, जिसको TI साहब के साथ में जाके घटना स्थल पर पहुँच कर मौका पर सुरक्षित इंतजाम करके और उसको नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। और उसके बाद आसपास के इलाके को सर्च किया गया। सर्चिंग के दौरान किसी तरह का कोई और सस्पेक्टेड आइटम वहाँ पे नहीं मिला और किसी कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं हुई। उसके बाद फिर एक कार्रवाई करके वापस थाना टीम आई। पूरा नाम क्या है सर आपका? मेरा PDS प्रभारी विनय कुमार। सर, आज पगार आइटम के पास कोई बम मिला था, क्या घटना करूँगा आपको? आज सुबह करीब 10:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि पगरा डैम बेबस नदी के किनारे कालिया घाट कहलाता है, वहाँ पे बम जैसा कुछ है। सूचना पे सब इंस्पेक्टर मकसूद अली और 3 आरक्षक को वहाँ रवाना किया कि देखें घटना क्या है। वहाँ पे जब 81 मोटर का बम जैसा कुछ मिला तो फिर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और BDS टीम को सूचना दी। BDS टीम आई, BDS टीम के साथ जाके घटनास्थल पर गए, जहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करते हुए वहाँ पे उक्त जो डिवाइस मिली थी उसको नष्ट किया गया। नष्टी के बाद फिर बाद में हम लोगों ने वहाँ पे चारों तरफ घूमे और देखा, ऐसा तो नहीं कोई पहले कोई घटना न हुई। तो वहाँ निरीक्षण के दौरान वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई, ना कोई उससे हताहत हुआ।